स्वागत है आपका लद्दाख सीरीज के एक और नए व्लॉग में। इस व्लॉग में हम जिस्पा से लेकर दारचा का सफ़र तय करेंगे, बाकी करेंगे अपने सफ़र की बातें। सफ़र एकदम सुहाना, अभी तक हमने करीब 100 किलोमीटर का सफ़र सुबह से पूरा कर लिया है और यहाँ पर साइड सीन बहुत ही सुंदर। यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फ़ोटोग्राफी करेंगे, फिर अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों करेंगे कुछ इस दारचा में छुपे हुए रहस्य के बारे में आपसे बातें, करते हैं थोड़ी फोटोग्राफी, मिलते हैं आपको रोड पर। जब कहीं राह में अपने एरिया के लोग मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपनी इकट्ठी एक फैमिली हो गई हो। अभी हमें हमारे एरिया से मिले बड़ौत से, बड़ौत वैसे तो हमारे से 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब बाहर कहीं जाकर हम मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे परिवार की तरह। अब हमारे मोहित सोलंकी जी हैं, इन्होंने यूपी की नंबर प्लेट देखकर ही अपनी गाड़ी साइड में लगा ली, वो खड़ी इनकी गाड़ी पीछे, और इन्होंने हमसे हमारे हालचाल पूछे और हमारी कोई परेशानी तो नहीं ये सब पूछा। के साथ हैं मनोज जागलान जी और आलम जी बलवंत जी। ये फर्स्ट टाइम जो है लेह लद्दाख जा रहे हैं, तो कुछ जानकारी इन्होंने मुझे साझा करी और कुछ जो मुझे जानकारी थी वो मैं इनसे साझा कर रहा हूँ। बाकी समय मिला या ज़िंदगी में लिखा होगा दोबारा मिलना, तो दोबारा फिर मिलेंगे और इसी तरह मिलते रहेंगे। और कहीं भी आप किसी से भी मिलें तो जो भी आपसे हो सके उसकी मदद करें। करते हैं थोड़ी बातचीत, इतना आप नज़ारों के मजे लीजिए, मिलते हैं आपको रोड पर। दोस्तों इस खामोशी को सिर्फ मेरे अलावा यहाँ कोई महसूस नहीं कर सकता। जो खामोशी यहाँ है, आकाश चूमते हुए ये पहाड़ और चोटी पर पड़ी बर्फ और एकदम सन्नाटा, जब कोई कार या कोई बाइक वगैरह यहाँ पर आती है, जब उसके हॉर्न के इंजन की साउंड यहाँ सुनाई देगी आपको, और नहीं तो एकदम सन्नाटा। इस अजीब से एहसास को करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। जीवन में बस यही है, अगर आप सुकून के दो पल बिताना चाहते हैं एक बार लद्दाख ज़रूर आएं। और मेरा वादा है आपसे, आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहने वाला है। दोस्तों ये जो आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं राइट में, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त एक लैंडस्लाइड हुई थी और यहाँ पर एक गांव था जो पूरा का पूरा उसके नीचे दब गया था मलबे के। आप देख सकते हैं उसके पत्थर आज भी यहाँ पड़े हुए हैं, पूरा गांव इस मलबे के नीचे दब गया था। यहाँ से पूरी पहाड़ी एक बड़ी चट्टान नीचे आकर गिरी थी और ये पूरा का पूरा गाँव मलबे में तब्दील हो गया था, पूरे गांव में कोई भी नहीं बचा था। इस जगह के बारे में मैंने भी किसी से सुना था, ये जगह दारचा के करीब 2 किलोमीटर पहले है। हमारे सामने है दारचा का फ्लाईओवर और फ्लाईओवर पार करने के बाद मिलेगा हमें दारचा का चेक पोस्ट। तो दोस्तों हम आप पहुँचे हैं दारचा, यहाँ पर होगा एक नाका बोले तो चेक पोस्ट, यहाँ पर होगी हमारे वाहन की एंट्री और मनाली से आने वाले सभी वाहनों की यहाँ पर एंट्री होती है। 1 बजे के बाद अभी दारचा की ओर से एंट्री नहीं है, 1 बजे तक ही जो वाहन यहाँ पहुँचते हैं उनको आगे जाने दिया जाता है, नहीं तो वापस लौटा देते हैं। या फिर दारचा में अगर आपको कहीं नाइट स्टे करने के लिए कोई कैम वैम मिल जाए तो आप वहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं।
दारचा में वैसे नाइट स्टे करने के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आप अगर अपना पर्सनल टेंट लेकर आए हैं तो आप अच्छी सी कहीं सूटेबल जगह देखकर अपना टेंट लगा सकते हैं, और नहीं तो आपको वापस जिस्पा तक जाना पड़ेगा। जिस्पा में मैंने पहले वीडियो में भी बताया, काफ़ी ऑप्शन है आपके पास। आप नाइट स्टे करने के लिए वहाँ पर होटल, टेंट वगैरह, होम स्टे वगैरह सब कुछ है। मौसम बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है, लेकिन ठंडी हवाएं हमारा स्वागत कर रही हैं। सड़क की हालत बहुत अच्छी, अभी तक कोई ख़ास ऑफ रोड हमें देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन लद्दाख है मेरी जान, ऑफ रोड तो ज़रूर मिलेगा, यहाँ नहीं तो आगे। चलते हैं नाके की ओर, देखते हैं क्या क्या फॉर्मेलिटी यहाँ पर होती है। वहाँ पर ये है जी चेक पोस्ट, नंबर लिखना है। एंट्री हमने करा ली है, हमारा अगली डेस्टिनेशन पड़ेगी जिंगजिंग बार, बाकी उसके बाद पड़ेगा बाराला चला, फिर मिलेगा सरचू। सरचू की दूरी है यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर, और रोड की हालत एकदम बढ़िया। अगर ऐसी ही रोड हमें वहाँ तक मिली तो हम बहुत ही जल्दी सरचू भी कवर कर लेंगे। हमारा नाइट स्टे करने का प्रोग्राम तो उपसी में है, बाकी देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर, सड़क एकदम बढ़िया। और दोस्तों, हमेशा पहाड़ में अच्छी सड़क जब होती है तो अपने कंट्रोल में ही अपने वाहन को चलाना चाहिए। कभी कभी सड़क अच्छी होने पर हम वाहन की गति बहुत ज़्यादा तेज़ कर देते हैं और फिर कोई अनहोनी होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए अपने कंट्रोल में ही अपनी बाइक को चलाएँ। रोड अच्छा हो तब भी आप अपने कंट्रोल से चलें। मिलते हैं आपको आगे किसी वीडियो में। अरे रे 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 रे, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसे कहते हैं। अगर कोई वाहन सामने की ओर से आ रहा होता तो अभी हैप्पी बर्थडे हो जाता। खैर, गलतियां करके सीखता है इंसान, और ऐसी गलती दोस्तों आप ना करें। बाकी बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, अगर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। बाकी बने रहे हमारे साथ, पूरी लद्दाख सीरीज हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉपेज बाराला चला और जिंगजिंग बार में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय दारचा जूले।